नमस्कार दोस्तों, आज हम प्लांट की बात करेंगे बोगनवेलिया की। इस पिछले साल मैंने इस पर ढेर फूलों के गुच्छे आपको दिखाए थे। सर्दियों में मैंने इसकी हार्ड प्रूनिंग कर दी थी। अब इस पर पत्ते निकलने लगे हैं, जल्दी ही फूल भी बन जाएंगे। उससे पहले ही हमें कुछ तैयारियां करनी पड़ेंगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फूल आए। इसकी मिट्टी को बदलना पड़ेगा। कई साल से ये प्लांट इसी गमले में है। देखते हैं इसकी जड़ों की क्या हालत है। पहले हम इसकी मिट्टी को साइड से ढीला कर लेंगे, उसके बाद इसे निकालेंगे। ज़रूरत हुई तो इसको बड़े गमले में शिफ्ट करेंगे या फिर इसी में खाद मिट्टी बदल कर लगा देंगे। ये देखिए कुछ जड़ें टूट भी गई हैं, बड़ी मुश्किल से निकला है। इसकी मिट्टी देखिए, बीच में इसके चिकनी मिट्टी है जिसको हम निकाल देंगे। ये देखिए बुरी तरह चिकनी है, जिसका ढीला बन गया है और जड़ों को ये आगे बढ़ने नहीं दे रही। ये देखिए कैसे बुरी हालत है पौधे की, फैल नहीं पा रहा वो चिकनी मिट्टी में। और कुछ जड़ों की भी चटनी हम कर देंगे। ये देखिए कैसे चिकनी मिट्टी ने बोगनवेलिया की जड़ों को जकड़ा हुआ था, इतनी ढेर मिट्टी इसमें से निकली है और कुछ जड़ें भी टूट गई हैं मिट्टी के साथ। इसीलिए मैंने इसकी जड़ को पानी में भिगो कर रखा है ताकि आराम से मिट्टी उसमें से निकल जाए। अब हम बोगनवेलिया को दूसरी मिट्टी दूसरे गमले में लगा देंगे। ये मिट्टी मैंने पहले ही सुखा के रखी हुई है, पौधों की मिट्टी है और इसमें वही एक भाग कोकोपेट, एक भाग मिट्टी गमले की और एक भाग खाद है। ये मैंने पहले से ही तैयार कर लिया है। इसमें नीम खली, सरसों खली और फंजीसाइड भी मैंने डाल दिया है। फालतू की जड़ें मैंने छटनी कर दी है, इन्हीं से ये चल जाएगा पौधा हमारा। इसे नए मिट्टी खाद पानी मिलेगा, तेजी से बढ़ेगा। ये अब हम जड़ों को मिट्टी से दबा देंगे अच्छी तरह। हवा नहीं रहनी चाहिए इसमें, पानी डाल देंगे। थोड़ी बहुत इसकी टहनियाँ जो सूखी हुई हैं, जैसे ये टहनी सूखी है, इसको हम देखिए कुछ टहनियाँ सूखी हुई हैं, इनको हम तोड़कर निकाल देंगे। प्रूनिंग भी हल्की सी कर देंगे हम इसकी ताकि नई टहनियाँ फूट कर आएं। ऐसे ही आप भी अपने पुराने गमलों को संभालिए जो कई साल से एक ही गमले में लगे हैं, उसकी मिट्टी बदलिए, रिपोर्ट करिए उसको। अगर बड़ा गमला चाहिए तो उसमें लगाइए, नहीं तो मिट्टी तो बदल ही डालिए और प्रूनिंग कर दीजिए ताकि अच्छे से उस पर फ्लावर आए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।